जगन्नाथपुरी का मंदिर देखने के लिए। रात के 8 बजे हम स्टेशन पहुंच गए और अभी हम अपने रूम में पहुंच गए। रूम हमारा होटल से बिल्कुल सामने ही है, जहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है। फिर सुबह उठकर हम बीच पे गए हैं, जहाँ हमने बहुत मस्ती की है। बीच का पानी बहुत सुंदर है और साफ़ सुथरा है। पर्यावरण की दृष्टि से बहुत साफ़ सुथरा बीच है। यहाँ भी सभी लोगों ने आना चाहिए और समुंदर का इंजॉय करना चाहिए। समुद्र का पानी का बहुत अच्छा सुंदर है नज़ारा है, वो सूरज दिखते ही मन प्रसन्नित हो जाता है। उसके बाद हम मंदिर में गए हैं और मंदिर से आने के बाद हम आपको लिए प्रसाद लाए। हम आपको अंदर का सीन नहीं दिखा पाए क्योंकि अंदर में फ़ोन ले जाना एक्चुअली अलाउ नहीं रहता है, लेकिन हम आपके लिए प्रसाद लेके आए हैं। देखते हैं प्रसाद क्या है। जगन्नाथ मंदिर में सदियों से पाया जाने वाला महाप्रसाद लगभग 600 से 700 रसोइया द्वारा बना जाता है, जो लगभग 50,000 भक्तों के बीच वितरित किया जाता है। ये प्रसाद आप भी खाइए। उसके बाद हम गए कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के लिए। यह जो मंदिर है वो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर से 21 मील दूर है। ये जो सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर की कल्पना जो है वो सूर्यदेव के रथ के रूप में की गई है। इस रथ में 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हैं और इसे 7 शक्तिशाली घोड़ी तेजी से खींच रहे हैं। जितनी सुंदर इसकी कल्पना है, रचना भी उतनी ही सुंदर है। ये देखिए, आप देख ही सकते हैं, ये जो पहिए लगे हैं ऐसे 12 जोड़ी पहिए हैं जो कि अपना टाइम को दर्शाते हैं कि भाई 12 घंटे जो होते हैं वो दर्शाते हैं। और ये जो 7 घोड़े लगे हैं वो 7 दिन को दर्शाते हैं। इस मंदिर की जो वास्तुकला और मूर्तिकला जो है वो लोगों को बहुत ही आकर्षित करती है। ये देखिए, ये बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर वास्तुकला है। हम यहाँ पर पूरा घूमे हैं और बहुत मस्ती की। आप भी आइए। हमने 3 प्लेस एक ही दिन में पूरा किया है।